वेलकम टू माय फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम को स्टडी फिर से फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रख दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि KBS एग्जाम फिजिकल एजुकेशन TJT बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए, तो इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर आप एक एक सेकेंड का यूज कीजिए। उसी को देखते हुए मैंने रिवीजन क्लास लाया है, 665 क्वेश्चंस का ए सीरीज है, जिसमें से पार्ट बाय पार्ट मैं आपको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी। यह पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैं आज सबके कहने से स्टडी फिट चैनल का नाम बदल करके फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रखा है। आप सबकी इसमें क्या राय है, सही है या कुछ और नाम रख दिया जाए, ये आप सब बताएंगे कमेंट में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की बांह में चालू उत्तोलक प्रणाली है। जैसा कि दोस्तों, जो हमारा मनुष्य की बांह में चालू उत्तोलक प्रणाली है, इसका सही आंसर है श्रेणी 3, यानी कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जैसे कि जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, उसमें जो फोर्स होता है वो बीच में रहता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच, और इसको गति का लीवर भी कहते हैं। बांह में चालू उत्तोलक यानी कि जो हमारा हाथ का फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, उसमें तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, और जो हमारा हाथ एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, उसमें प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, एंड एंथ्रोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन को हम मायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या, जब 22 दिया रहेगा तो 22 सही रहेगा, 29 दिया रहेगा तो 29 सही रहेगा, 28 दिया रहेगा तो 28 सही रहेगा। तो यहाँ पे 22 दिया है तो 22 आपका सही हो जाएगा। ऐसे तो खोपड़ी में आपका चेहरा, कान, हाइड बोन और जो हमारा क्रेनियल बोन होता है, सभी आ जाते हैं, सबको मिलाकर के 29 हो जाता है। 6 कान में, 14 हमारे चेहरे में, 8 हमारे क्रेनियल बोन और 1 हाइड बोन, कुल 29 होते हैं। तो यहाँ पे चेहरा और क्रेनियल दोनों को मिलाकर दिया है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाई में कितनी कार्पल अस्थियां होती है। तो दोस्तों, कलाई में 8 कार्पल अस्थियां होती है, जो हमारे कलाई होती है, वही पे पैर की एंकल का पूछेगा जिसमें टार्सस हड्डियों की, तो वहां पे 7 होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कलाई में कितनी टार्सस हड्डियां होती है, कार्पल हड्डियां होती है, तो 8, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मुक्केबाज की मांसपेशी होती है। जैसा कि दोस्तों, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मुक्केबाज यानी कि बॉक्सिंग से रिलेटेड मांसपेशी है सेरेटस एंटीरियर। क्या है? सेरेटस एंटीरियर। यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अवच्छद डेल्टायर, यानी कि उसका मतलब वही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, गर्दन का जोड़ उदाहरण है। तो गर्दन के जोड़ को हम पिवट ज्वाइंट कहते हैं, जो एक धुरी पर घूमता है चारों तरफ। यहाँ पे हमारा जो पिवट ज्वाइंट में हमारा गर्दन का जोड़ आ जाता है, और हमारा रेडियस अल्ना ज्वाइंट होता है, जो उस पर खिसक करके घूमता है, क्या कहते हैं, प्रोनेशन और सुपाइनेशन मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे गर्दन का जोड़ है धुराग्र संधि। क्या है? धुराग्र संधि, जिसे पिवट ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलंब पेशियां सहायक होती हैं। समलंब पेशियां सहायक होती है क्या करने में? गर्दन को पीछे धकेलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल कहलाता है मैग्नस फोर्स। मैग्नस प्रभाव के कारण ही हम हमेशा बाईं तरफ दौड़ते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे कान की स्टेपीज हड्डी होती है, तो यहाँ पे स्टेपीज नहीं दिया है, गुलफास्टी दिया है। तो गुलफास्टी को ही शायद कहते हैं स्टेपीज,
यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा याद रहता है, ये हिंदी वाला पता नहीं क्या क्या दे देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अस्थियों की रचना में निम्नलिखित में किसका प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि अस्थियों की रचना में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका रहता है, तो अस्थियों की रचना में सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस का। किसका होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थियों के लिए जरूरत होता है। नेक्स्ट है कपाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कपाल में यानी क्रेनियल बोन होता है कुल 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्षीय कशेरुकाएं कितनी होती है। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ 26 कशेरुकाएं यानी कि रीढ़ की हड्डियां होती हैं वयस्क होने पे, और बच्चों में 33 होती हैं, और इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 7 आपका सर्वाइकल बोन यानी गर्दन की बोन होती है, 12 आपका वक्ष बोन यानी थोरेसिक बोन होती है, 5 कमर की बोन होती है लंबर रीजन, एंड 5 आपकी होती है सेक्रल जो बड़े होने पर पांचों मिलकर एक हो जाती है, और 4 आपकी होती है कॉक्सिजियल जो बड़े होने पर चारों मिलकर एक हो जाती है। इस प्रकार 33 जो होता है वो 26 बच जाती है बड़े होने पर। इसलिए बच्चों में रीढ़ की हड्डी 33 होती है, वयस्क में रीढ़ की हड्डी 26 होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या पीछा है, अच्छी कशेरुकाएं बनी होती है, तो जो अच्छी यानी थोरेसिक बोन जो होती है वर्टिब्रा वो 12 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सैक्रम यानी त्रिकास्थि कशेरुकाएं बनी होती है, तो ये 5 अस्थियों से मिलकर बनी होती है जो वयस्क होने पर पांचों मिलकर एक हो जाती है। नेक्स्ट है कटी कशेरुकाओं की संख्या यानी लंबर वर्टिब्रा की संख्या होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अस्थि उपास्थि के प्रतिस्थापन से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रतिस्थापन अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट है जो अस्थि संयोजक उत्तकों के रूपांतरण से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम निवेशी अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि कोशिकाएं यह भी कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है अस्थि कोशिकाएं बेटा, तो वो कहलाते हैं आर्टियोसाइटिस। ठीक है, आर्टियोसाइटिस। नेक्स्ट है दाएं हाथ की अस्थियों के अस्थि भवन यानी ऑसिफिकेशन की तकनीकी का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों यह उम्र को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि उम्र को निर्धारित करने के लिए क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक एज और फिजियोलॉजिकल एज और कैलेंडर एज कई प्रकार के चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये आपका एनाटॉमिकल एज जिसमें शरीर रचनात्मक एज में आपका ऑसिफिकेशन यानी कि आप दांतों की संख्या अस्थियों की अस्थियों से उम्र का पता लगाया जाता है, तो उसमें जो दाएं हाथ की रेडियस हड्डी होती है उसमें से सबसे ज्यादा पता लगाया जाता है। तो दाएं हाथ की हड्डी यानी अस्थि भवन ऑसिफिकेशन से तकनीकी से किसका पता लगाया जाता है, उम्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने के पीछे की मांसपेशी है, तो घुटने के पीछे की मांसपेशी जो होती है दोस्तों, घुटने के पीछे जो ऊपर की मांसपेशी होती है रेक्टस फेमोरिस जो आपका हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है, और वो क्या करती है घुटने के मोड़ने के काम आती है। ठीक है, घुटने के पीछे घुटने जो ऊपर होती है घुटने के पीछे ऊपर वो हेमस्ट्रिक मसल्स होती है, और नीचे जो होता है जो उठा हुआ भाग होता है वो गैस्ट्रोनिमियस होती है जिसे कॉफ मसल्स बोलते हैं। तो गैस्ट्रो जो हेमस्ट्रिक मसल्स है घुटने को मोड़ने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है की संधियां है यानी साइनोवियल संधियां। साइनोवियल संधियां जो होती हैं वह होती हैं स्वेच्छाचारी अनुसार चलायमान यानी कि फ्री रूप से चलती हैं, फ्रीली मूवेबल होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष गुजरता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष गुजरता है तो कैसे गुजरता है दोस्तों, उस ऐसे गुजरता है ऐसे यानी कि जमीन के अविलंब होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है। विज्ञान की किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है, तो यह यांत्रिकी शाखा में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सपाट पैर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो सपाट पैर को जो हमारे पैर जो होता है वो समतल यानी पूरा का पूरा जो तलवा होता है वो जमीन में सट जाता है उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट फुट बोला जाता है। फ्लैट फुट के दूसरे नाम से और कुछ जाना जाता है दोस्तों, प्लेस प्लेनस के नाम से भी जाना जाता है। एक फ्लैट फुट होता है, एक
फ्लैट कवर्स होता है, ठीक है, तो फ्लैट फूट जो होता है वह आपका चपटा पाव उसको बोला जाता है, जिसको प्लेयर्स प्लेयर्स बोला जाता है। और एक और होता है पंजा पाव, जिसे क्ले फूट बोला जाता है, जिसे दूसरा नाम पेस कैवस भी कहते हैं। जैसा कि जैसे फ्लैट फूट यानी कि पेस प्लेनस में जो हमारा तलवा होता है वो पूरा का पूरा चपटा होता है, जमीन में पूरा सट जाता है, उसी के विपरीत होता है आपका क्ले फूट, जिसे पेस कैवस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें कर यानी गड्ढा हो जाता है, जैसे कि पंजे पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं और बीच में खाली जगह हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो ये दोनों में आप डिफरेंट समझिएगा। दोस्तों सममितीय संकुचन में होती है पेशी क्या होती है, छोटी हो जाती है कि लंबी हो जाती है, कि न लंबी होती है न छोटी होती है, छोटी भी होती है लंबी भी होती है, कौन सा इसमें सही होगा? यहाँ पे सममिति का अर्थ है दोस्तों आइसोमेट्रिक, जैसे कि जो पेशी में शक्ति उत्पन्न करने की जो विधियां हैं उसमें आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक है। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, यानी ना पेशी लंबी होती है ना छोटी होती है और तनाव बना रहता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है कि पेशी लंबी और छोटी दोनों होती है और तनाव अपरिवर्तित रहता है। और जो आइसोकाइनेटिक होती है तो गति एक समान होती है, ठीक है, वो मशीनों द्वारा होती है, जैसे रोइंग हो गया, पानी वाली खेलों में, ये सब में हो गया, आइसोकाइनेटिक होता है, ठीक है। यहाँ सममिति यानी आइसोमेट्रिक पूछा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ना पेशी जो है लंबी होती है ना छोटी होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैपुला यानी स्कंधास्थि अस्थि कहाँ पे होती है, तो हमारे कंधे की होती है, जो हमारे ऊपरी पीठ में होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों लैटिमस डोर्सी कहाँ स्थित होती है, तो ये हमारे कमर के ऊपर, ठीक है, ऊपरी कमर के ऊपर पीठ में होती है, कौन, लैटिमस डोर्सी, हमारे पीठ की सबसे मजबूत पेशी होती है। नेक्स्ट दोस्तों लॉर्डोसिस अग्रकुब्जता एक नाम है, यह भी इसका, ठीक है, लॉर्डोसिस अग्रकुब्जता का एक नाम यह भी है, जैसे कि लॉर्डोसिस काइफोसिस होता है, तो काइफोसिस हमारा पीठ जो होता है वह घुमावदार हो जाता है, ठीक है, यानी उठ जाता है, जिसे हम कुबड़ा कहते हैं। और जो लॉर्डोसिस में क्या होता है, हमारा कमर में गड्ढा हो जाता है यानी अवतल यानी धस जाता है, तो वहां पे इसको हम दूसरे नाम से अवतल पृष्ठ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवलय है, तो परवलय क्या है दोस्तों, परवलय जैसे कि हम कोई चीज प्रक्षेपण करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वायु प्रतिरोध के निर्मित किसी पदार्थ का मार्ग, ठीक है, वायु प्रतिरोध के भी निर्मित किसी पदार्थ का मार्ग होता है, जैसे कोई हम वस्तु फेंके, ठीक है, कोई वस्तु फेंके, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु हमने फेंका, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है परवलय, क्या होता है, यह होता है परवलय, इसी को हम परवलय कहते हैं, वायु प्रतिरोध से निर्मित किसी पदार्थ का जो मार्ग है। तो हम इसको, इस बॉल को फेंक रहे हैं, तो इसका मार्ग कैसे है, ऐसे ऐसे ये जा रहा है, तो ये परवलय है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन किसमें होता है, तो विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों, जैव यांत्रिकी में, किसमें, जैव यांत्रिकी में। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल और आलंब के बीच में होता है, तो दोस्तों जैसा कि उत्तोलक वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक है इसमें होता है एफ ए आर, इसका मैं ट्रिक बनाई हूँ दोस्तों 1 2 3 यानी 312, यानी कि जो फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक होगा इसमें आपका होगा ए यानी एक्सिस बीच में, और सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में होगा आर बीच में होगा, ठीक है, आर बीच में होगा, ठीक। और थर्ड प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा, थर्ड प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में होगा, ठीक है, फोर्स जो है वो बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किस प्रकार के उत्तोलक में भार और आलंब, किस प्रकार के उत्तोलक में भार जो है वो बल और आलंब के बीच में होगा, भार यानी कि रेसिस्टेंस किसमें है दोस्तों, सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेकेंड प्रकार के उत्तोलक जो होगा वो हमारा, उसमें भार जो है रेजिस्टेंस जो है बल और आलम के बीच में होगा। नेक्स्ट है गोलक
और उलूखल संधि के चारों ओर का संचलन है। तो गोलक उलूखल यानी कि बाल गेंद और साकेत ज्वाइंट जिसे हमारा कंधा और कुल्ला होता है, तो इसमें कौन प्रकार का गति होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका हो जाएगा आकुंचन विस्तार यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होगा, परिक्रमण और परिसर्पण भी होगा, अति विस्तारण भी होगा, और यहाँ यानी कि यहाँ पे इनमें सभी गतियां होंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कोर संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी कोहनी संधि को कहते हैं कोर संधि। नेक्स्ट है कि चक्र के विमोचन के समय क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चक्र के विमोचन के समय अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक होगा। अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बल होता है दोस्तों। सेंट्रीपिटल बल यानी अभिकेंद्री बल इसे कहते हैं जिसका जो केंद्र की तरफ बल लगता है, और अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल बल उसे कहते हैं जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे कि हम हैमर थ्रो में हैमर घुमा रहे हैं, तो जब हम हैमर घुमा रहे हैं तो उस समय अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल बल लग रहा है। जब हम हैमर को घुमा करके छोड़ते हैं तो उस समय सेंट्रीफ्यूगल बल यानी कि अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है। तो चक्र के समय क्या होता है? अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल बल, वह अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल बल से अधिक होता है। नेक्स्ट है स्टर्नम यानी उरोस्थी कहाँ स्थित होती है? तो यह हमारे छाती पर स्थित होती है। कहाँ पे? छाती पे। जैसे कि दोस्तों जो हमारा स्टर्नम होता है वो बीच में मोटी सी हड्डी होती है, ठीक है, बीच में मोटी सी हड्डी होती है जो हमारे पसलियां जो होती हैं इसी से जुड़ी रहती है, दोनों तरफ 12-12 पसलियां, ठीक है, दोनों तरफ 12-12 पसलियां इसी से जुड़ी रहती है। ये हमारे छाती पे, इधर से आपका क्लाविकल हड्डी जाता है, यहाँ पे हमारा कंधा होता है, यहाँ पे हमारा गर्दन होता है, इस प्रकार हमारा होता है बीच में स्टर्नम हड्डी छाती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपावर्तन यानी एब्डक्शन में बाहू हिलती डुलती है। तो अपावर्तन एब्डक्शन होता क्या है दोस्तों? जैसे कि आपका हो गया ये है, ये आपका है अपावर्तन, ठीक है, ये जो हमारा हाथ है ये क्या है ऐसी स्थिति में है, ये आपका एब्डक्शन हो गया। जब हमारा हाथ इस वाले स्थिति में होगा तो ये आपका एडक्शन हो गया, तो ए आपका राइट होगा, ए आपका पूछा है। तो अपावर्तन एब्डक्शन में बाहू हिलती डुलती है कहाँ? शरीर से दूर, तो ये आपका शरीर से दूर जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तोलक में बल भार और आलंब के बीच में होता है? तो अभी मैं तुरंत बताई हूँ दोस्तों कि बल जैसे कि एफ ए आर, ये फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक है। किस प्रकार का? या जैसे कि 1, 2, 3, तो फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में रहेगा, सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में आर बीच में रहेगा, थर्ड प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है यानी बल बीच में है भार और आलंबक के बीच, कौन सा उत्तोलक होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थर्ड प्रकार का उत्तोलक होगा, जिसे थर्ड प्रकार के उत्तोलक को हम गति का उत्तोलक कहते हैं, सेकेंड प्रकार के उत्तोलक के हम बल का उत्तोलक कहते हैं, और प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का उत्तोलक कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लेष्मक संधि यानी कि साइनोवियल ज्वाइंट है, तो साइनोवियल ज्वाइंट को हम स्वच्छंद रूप से जंगम बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से यह चलायमान होता है। तो जो हमारा संधियां होती है शरीर में तीन प्रकार की होती हैं, चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि। चल संधि को हम साइनोवियल ज्वाइंट या डायर्थ्रोसिस भी कहते हैं और मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, और अचल संधि को सिंपली मूवेबल कार्टिलेजियस ज्वाइंट एम्फियार्थ्रोसिस भी कहा जाता है, और जो हमारा अचल संधि होता है उसको फाइबर्स ज्वाइंट और साइनोवियल साइनोथ्रोसिस भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट आप रिविजन करते रहिए और अपने टाइम का विशेष ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।